राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कृष्णवाणी में। इस कृष्णवाणी में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य सदैव अपने जीवन में सुख चाहता है, परंतु ये सुख है क्या? क्या रूप है इस सुख का? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बताता हूँ, इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख और आंतरिक सुख। ये सुख ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे शरीर की परछाई, हमारे शरीर के भीतर ये रह रही आत्मा। यदि बात किया जाए तो हमारे परछाई की, ये परछाई चयन काल में, प्रातः काल में धीरे धीरे लंबी होती रहती है। ऐसे ही ये सूर्य हमारे सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है तो ये परछाई छोटी हो जाती है। ऐसे ही अंधकार हो जाता है तो ये परछाई हमारे साथ ही छोड़ देती है। कुछ इसी प्रकार का होता है हमारा बाहरी सुख। यदि बात किया जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा की, तो ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, सदैव ही हमसे जुड़ी रहती है। कुछ इस प्रकार का होता है हमारा आंतरिक सुख। ये सुख हमारे साथ सदैव ही रहती है। आंतरिक सुख किसी का सेवा का, आंतरिक सुख किसी का सहायता का, आंतरिक सुख किसी का प्रेम का, ये सदैव ही हमारा साथ नहीं छोड़ता। और ये बाहरी सुख जब तक कि हमारे पास प्रसन्नता है, कुछ लोग हैं, तभी तक ये हमारे पास रहते हैं। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुख चले गए, तब इसके बाद ये हमारी आंतरिक सुख भी चले जाते हैं। मनुष्य कई प्रकार का मनोरथ करता है, इच्छाएं करता है, अभिलाषा करता है, मनोकामना करता है, वो स्वप्न देखता है, वो अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है, फिर वो एक समय तक आके अपने जीवन में वो निराश हो जाता है कि उसको सफलता नहीं मिलता जो वो चाहता है, स्वप्न देखता है अपने जीवन में सफल होने की और खुश होने की। अब इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि चलिए मैं आपको आज एक उदाहरण देता हूँ। जंगल के राजा किसे कहा जाता है? जंगल के राजा को सिंह कहते हैं। इसके लिए मृग तो उसके पास जाकर ये नहीं कहता ना कि आप तो बन गए राजा, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपने भूख को मिटा दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। भले ही सिंह उस जंगल का राजा है, लेकिन उसे भी परिश्रम करना ही होता है, तब जाके उस सिंह की भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, अभिलाषाएं ऐसे पूरे नहीं होंगे, आपको भी मेहनत करने ही पड़ेंगे और आपके मनोकामना ये अवश्य ही पूर्ण होगा, किंतु आपके परिश्रम से।